नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के विषय में। अष्टमी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, व्रत हमें किस दिन रखना है, रोहिणी नक्षत्र कब से शुरू हो रहा है, रात्रि में हमें रोहिणी नक्षत्र कब मिल रहा है, और पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वो कब से कब तक रहने वाला है, क्योंकि रात्रि की पूजा का सबसे ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि उसी समय हम भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव का पर्व मनाते हैं। तो आइए सारी बातें जान लेते हैं। व्रत हमें कब रखना है, पारण कब करना है, और व्रत निर्जला रखना है या फिर फलाहारी रखना है। कहने का मतलब, संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। आपके पास यदि लड्डू गोपाल जी नहीं है या फिर बाल गोपाल जी का कोई मूर्ति नहीं है, तो आप कैसे स्नान कराएं, कैसे जन्म कराएं, कैसे पूजन करें, तो इस प्रकार से आप सारी बातें जानेंगे। बिल्कुल सरल पूजा विधि भी आप लोग इस वीडियो में जानेंगे। आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करती हूँ। छोटा सा निवेदन है कि मेरा वीडियो अच्छा लग जाए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दिया कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। दोस्तों, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, हम सभी गृहस्थ जन के लिए यह व्रत 26 अगस्त दिन सोमवार को धारण किया जाएगा। इसी दिन हमें व्रत रखना है, भगवान श्री कृष्ण जी का पूजन अर्चन करना है। 27 अगस्त को वैष्णव जन अर्थात साधु संत जो समाज के लोग हैं, वो लोग इस व्रत को 27 अगस्त को धारण करेंगे। अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जा रही है 26 अगस्त को ही प्रातः 3:39 पर, और यह समाप्त हो रही है 27 अगस्त को प्रातः 2:19 पर। बात करूं रोहिणी नक्षत्र की, जो कि भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म का नक्षत्र है, इसी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, और रोहिणी नक्षत्र जब हमें प्राप्त होता है तो उसी समय हम भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाते हैं। तो रोहिणी नक्षत्र हमें प्राप्त हो रहा है 26 की रात्रि में, अर्थात 26 तारीख को ही दोपहर से रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ हो जा रहा है, और 27 तारीख को दोपहर में ही यह नक्षत्र समाप्त हो जा रहा है। तो 27 तारीख को रात्रि में हमें यह नक्षत्र नहीं प्राप्त हो रहा है और 26 तारीख को प्राप्त हो रहा है, इसलिए यह व्रत 26 तारीख को रखना उचित है। अब बात करूंगी पूजन की, तो पूजन का शुभ मुहूर्त जो है वो 26 तारीख की रात्रि में 11:37 से लेकर 12:23 तक, जो कि निषेध काल की पूजा है। यही पूजा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। पूजा तो हम सुबह भी करेंगे, लेकिन यह पूजा का जो समय है ये सबसे महत्वपूर्ण समय है। इसी समय हम भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाते हैं। तो चलिए, ये सारी तो बातें हो गई समय की और तिथि की। अब आगे मैं बात करती हूँ कि आपको व्रत कैसे रखना चाहिए। देखिए, इस व्रत को बहुत से लोग निर्जला रखते हैं। कब तक रखते हैं? जब तक कि भगवान श्री कृष्ण जी का प्राकट्य नहीं हो जाता है, हम उनका जन्मोत्सव नहीं मना लेते हैं, तब तक निर्जला रखते हैं। उसके बाद फलाहार इत्यादि ले लेते हैं। लेकिन बहुत से लोग फलाहारी रखते हैं और सूर्यास्त होने से पहले ही मतलब जल फल इत्यादि लेना बंद कर देते हैं, तब तक जब तक कि ये जो निषिद्ध काल की पूजा है ये समाप्त नहीं हो जाती है, जो कि 12:23 तक रहने वाली है। तो यह समय जब समाप्त हो जाएगा, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाकर उनकी पूजा अर्चना करके आरती वंदन भोग प्रसाद इत्यादि अर्पित करने के बाद ही वो लोग फिर दोबारा जल फल इत्यादि फलाहार लेते हैं। इस प्रकार से भी व्रत धारण किया जाता है। तो आप जैसे भी व्रत रख सके, आपकी शक्ति जैसे हो वैसे आप व्रत रखें। अब 26 तारीख को सुबह सवेरे स्नान आदि करके आप लोगों को व्रत का जो संकल्प है वो सुबह की पूजा में ही आपको ले लेना है। तो सुबह की पूजा आप कैसे करेंगे? यदि आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं या फिर कोई भगवान बाल गोपाल जी की मूर्ति है, तो आप उन्हें अभिषेक कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, उन्हें नया वस्त्र पहनाएं, उनके लिए नई बंसी खरीद कर लाएं, मोर पंख लाएं और उन्हें अच्छी तरह से सजाएं। तो सुबह की पूजा में ये सारी चीज करके आप पीले पुष्पों की माला, पीला पुष्प, तुलसी पत्र और फिर नैवेद्य भोग प्रसाद अर्पित करके घी का एक दीपक, अखंड दीपक आप लोग जला दें। इस दिन जरूर सुबह दीपक जला दें और अगले दिन सुबह तक ये दीपक जलते रहना चाहिए। अखंड दीपक जलाकर भगवान श्री कृष्ण जी के मंत्रों का जप करते हुए, या फिर आप गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, या फिर आपको इस दिन मधुराष्टकम का पाठ करना चाहिए। यह भी बहुत ही उत्तम फल को प्रदान करता है। या फिर भगवान श्री कृष्ण जी के मंत्रों का जप करना चाहिए, आरती करनी चाहिए। ये सुबह की पूजा आपको इस तरह से कर लेनी चाहिए। और यदि आपके पास मूर्ति इत्यादि नहीं है, तो आप बाल गोपाल जी का कोई भी फोटो, चित्र, तस्वीर रखकर आप उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। यदि आपके पास फोटो है तो उनके चरणों को आप पखारें जल से या पंचामृत से, चरणों को पखार सकते हैं। जैसे मूर्ति को हम पूरा स्नान कराते हैं, यदि आपके पास चित्र है तो आप चित्र को, जो भगवान जी का चरण है, वहां पर उन्हें उनका चरण पखार सकते हैं। तो इस तरह से भी आप पूजन अर्चन कर सकते हैं। तो ये सुबह की पूजा हो गई, उसके बाद आपको व्रत इत्यादि रखना चाहिए।
अब बारी आती है संध्या पूजन की। तो रात्रि का जो पूजन का मैंने समय बताया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम संध्या पूजन नहीं करेंगे। संध्या पूजन हमें करना है। संध्या पूजन में हमें धूप दीप प्रज्वलित करके भगवान श्री कृष्ण जी को भोग लगाना है, मंत्रों का जप करना है, आरती करनी है, फिर से आप तुलसी पत्र डालकर दोबारा आप भोग लगाएंगे, सब कुछ आप संध्या पूजन में करेंगे। अब ये जो पूजा मैं बता रही हूँ, ये जन्मोत्सव की पूजा है, जब हम जन्मोत्सव मनाते हैं। अब मान लीजिए आपके पास लड्डू गोपाल जी नहीं है, शालिग्राम भगवान नहीं है, कोई विग्रह नहीं है, मतलब मूर्ति नहीं है, केवल चित्र है, तो आप खीरे के द्वारा जन्मोत्सव मना सकते हैं, जन्म का पर्व मना सकते हैं। किस तरह से मनाना चाहिए, आपको एक खीरा ले लेना चाहिए स्वच्छ, उसे धुलकर आप पहले खीरे को बीच में से आप उसमें चीरा लगा लें, और एक सिक्का धुलकर उसे स्वच्छ एक सिक्का उसमें रख सकते हैं, और पहले उसे किसी पात्र में रखकर, पात्र में स्वास्तिक बनाए रखकर, और किसी लाल वस्त्र से, सुंदर साफ वस्त्र से आप उढ़ा दें, और संध्या के समय संध्या पूजन में ही ये कार्य कर दें। अब जब निषिद्ध काल की पूजा का जब समय आ जाता है, जन्मोत्सव का समय आ जाता है, तब आप इस समय पर आप खीरे को वहां वहां से जो सिक्का आपने रखा है खीरे में, उस सिक्के को निकाल कर उसी सिक्के को ही भगवान बाल गोपाल का स्वरूप समझकर उनका अभिषेक करेंगे, उन्हें चंदन इत्र आदि से उनके उनका श्रृंगार करेंगे, उन्हें नए वस्त्र पहनाएंगे, मतलब वस्त्र ओढ़ा देंगे, वहां पर बांसुरी मोरपंख इत्यादि रखकर, कहने का मतलब संपूर्ण पूजा आप उस सिक्के को भगवान बाल गोपाल का स्वरूप समझकर आप संपूर्ण पूजा करेंगे। बाद में इस सिक्के को आप अपने पास रख सकते हैं, इस तरह से भी आप जन्म करा सकते हैं। और यदि आपके पास मूर्ति है तब तो हमें जन्म कराना चाहिए, जैसे कि हम जन्मोत्सव मनाते हैं। यदि आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं, बाल गोपाल जी की मूर्ति है, तो आप इस दिन झूला जरूर खरीद कर लाएं, इनके लिए सिंहासन जरूर खरीद कर लाएं, बंसी खरीद कर लाएं, मोरपंख खरीद कर लाएं, नए वस्त्र खरीद कर लाएं, इनके लिए आभूषण खरीद कर लाएं। ये सारी चीजें हमें कृष्ण जन्माष्टमी पर जरूर ही खरीदनी चाहिए। तो इस तरह से आप भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाएं। इनके जो भोग प्रसाद हैं, इनके चरणों में हमें तुलसी पत्र अवश्य ही अर्पित करना चाहिए, धनिये की पंजीरी बनानी चाहिए, और जो भी हम भोग प्रसाद लगाएंगे वो फलाहारी ही होना चाहिए। हमें सोठ के लड्डू भी बनाने चाहिए, जब जन्मोत्सव का पर्व हम लोग मनाते हैं तो सोठ के लड्डू हम लोग अर्पित करके उसे सभी भक्तों में वितरित करते हैं, तो सोठ के लड्डू भी आप बना सकते हैं, जो कि बिल्कुल फलाहारी होता है, उसमें किसी भी प्रकार के अनाज का प्रयोग नहीं होना चाहिए। सूखे मेवे, गुड़, घी, सोठ इत्यादि मिलाकर सोठ के लड्डू हम लोग बनाते हैं उनके जन्मोत्सव के पर्व पर। धनिये की पंजीरी तो आप सभी लोग जानते हैं, चरणामृत जो कि हम भगवान श्री कृष्ण जी का अभिषेक करेंगे, वो चरणामृत हम सभी परिवार को, सभी सदस्यों को पीना चाहिए। जन्मोत्सव के पर्व को मनाने के बाद हमें भगवान श्री कृष्ण जी का श्रृंगार करना चाहिए, नए वस्त्र आभूषण इत्यादि से उन्हें झूला झुलाना चाहिए, भोग प्रसाद अर्पित करके उनकी आरती करनी चाहिए। आरती बहुत ही विधि विधान से हमें करनी चाहिए, पूरे परिवार एक साथ मिलकर आरती करें। उसके बाद भगवान जी के भजन कीर्तन हमें गाने चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए, उनके भजन कीर्तन गाते हुए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, अपने घर के कल्याण के लिए उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव हमें मनाना चाहिए। फिर रात्रि में प्रसाद इत्यादि आप लोग ग्रहण करें, चरणामृत ग्रहण करें, और उसके बाद पारण आपको अगले दिन सुबह अर्थात 27 तारीख को आपको इसका पारण करना चाहिए। दोस्तों आप लोग चाहें तो सुबह की पूजा में कलश की स्थापना भी कर सकते हैं, यदि नहीं चाहते हैं तो बिना कलश स्थापना के भी आप भगवान जी का श्रृंगार इत्यादि सब कुछ कर सकते हैं। कलश स्थापना करके आप अखंड दीपक जला सकते हैं, या फिर वैसे भी आप अखंड दीपक जरूर जलाएं, क्योंकि सुबह की पूजा से ही अखंड दीपक हमको जलाना चाहिए और रात्रि तक यह दीपक जलना चाहिए, अगले दिन सुबह तक आपका दीपक जलते रहना चाहिए। तो अखंड दीपक इस दिन जलाने का बहुत ही विशेष विधान होता है, भगवान श्री कृष्ण जी के मंत्र का जप करने का, या फिर संतान प्राप्ति की जिसकी इच्छा है उन्हें, उन दंपत्ति को, मतलब पति पत्नी को मिलकर इस दिन संतान गोपाल मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। इस दिन आप चाहें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लें, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कर लें, ये सारी चीजें बहुत ही शुभ फल को देने वाली होती है। तो इस तरह से आपने समय और सभी चीजें जानी, बहुत ही आसानी से आप चाहें तो बिल्कुल चित्र और मूर्ति के द्वारा भी भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा अर्चना, उनका जन्मोत्सव मना सकते हैं। और कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।